ये यात्रा अमेरिकी जो अमेरिका का दौरा है प्रधानमंत्री का, साथ ही मिस्र का, काफी अहम माना जा रहा है। साफ तौर पर ये यात्रा दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रक्षा का सह उत्पादन, सह विकास में करीबी सहयोग के लिए रक्षा उद्योग का एक खाका खींचना और कई जो अहम क्षेत्र हैं जो कि आर्थिक निवेश से जुड़े हुए हैं, उसमें कई ठोस परिणाम आने की उम्मीद है। और अपनी यात्रा से पहले ही जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर, तो प्रधानमंत्री ने उससे पहले ट्वीट कर भी अमेरिकी संसद के सदस्य और जो तमाम विचारक हैं उनका धन्यवाद देकर ये कहा था कि कैसे जो भारत का समर्थन है वो भारत और अमेरिका संबंधों की गहराई को रेखांकित करता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए। राजेश, तो इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रस्थान कर चुके हैं अमेरिका और मिस्र की यात्रा के लिए। कई मायनों में ये दौरा खास है क्योंकि एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा ये दोनों देशों के रिश्तों को। बिल्कुल आपने सही कहा आंचल कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार जो है वो बेहतर होते रहे हैं। बराक ओबामा से लेकर अब तक का जो सफर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और भारत बहुत करीब आए हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे बराक ओबामा की यात्रा हो या डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हो या फिर जो बाइडन से इनकी मुलाकातें, इन तमाम मुलाकातों के दौरान काफी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच गर्मजोशी जो है वो देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे हैं। उनकी यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी जहां पर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। और जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो 22 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आधिकारिक राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की उसकी वो मेजबानी करेंगे। ये मोदी की यात्रा जो है वो दोनों देशों के बीच करीबी जो साझेदारी है वो साझेदारी और दोस्ती को और भी परवान चढ़ाएंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में जब अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे, अन्य जो वहां पर राजनेता हैं, उपराष्ट्रपति हैं या फिर जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें होंगी। इस दौरान कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और भी करीब आने की उम्मीद जताई जा सकती है।